अभी हम लोग आए थे यहाँ पर रॉ में, एज ऑलवेज हमेशा राइडिंग गियर्स का कुछ भी सामान लेना होता है तो मैं हमेशा रॉ में आता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट्स और सर्विस दोनों अच्छी मिलती है। तो आज हम लोगों ने क्या लिया है, मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ। ये है जो हम लोगों ने लिया है, नहीं नहीं यार, ये तो खाली थर्मल लाइनर है। ये जो है सोलेस का जैकेट, ये मैंने लिया है। मनीष जरा इसको थोड़ा सा सीधा कर देना बस। ये है सोलेस का V2, और ये मैंने क्यों लिया पता है, सबसे पहले कि ये 7000 की रेंज में, दिस इज द चीपेस्ट ऑप्शन जो आप जा सकते हो, लेवल 2 प्रोटेक्शन के साथ है, और साथ ही साथ जस्ट आमर मिल रहा है जो कि किसी के अंदर नहीं मिल रहा था। रेन लाइनर सेपरेट है, थर्मल लाइनर सेपरेट है। मैं आप लोगों को जरा पहन के दिखाता हूँ कि ये रेन लाइनर और ये थर्मल लाइनर कैसा लगता है। एक्चुअली रेन लाइनर नहीं, पर थर्मल लाइनर मैं आपको पहन के दिखाता हूँ कि कैसा दिख रहा है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज हाउ आई एम लुकिंग। ये खाली इसका थर्मल लाइनर है और देख सकते हो कितना अच्छा है। आई मीन लाइक पेट नहीं है, दिस इज बस ये मैंने जो पैक लगाया उसकी वजह से दिख रहा है, देयर इज नो पेट स्टिल। तो ये ऐसे कुछ दिख रहा है और काफी एक्चुअली यूजफुल है कंपेयर टू द वन वी यूज टू गेट विद अदर गियर्स। सबसे पहले तो क्योंकि पहले के जो लाइनर्स आते थे वो राइडिंग जैकेट के अंदर होते थे, आप उसको कहीं और यूज नहीं कर पाते थे, लेकिन अभी ये वाला जो है ये हम लोग रैंडमली भी पहन सकते हैं। एंड थैंक यू मनीष फिर से एक बार, हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स गए सब यहीं से जाते हैं। तो ये एक है, चलते हैं अभी फटाफट निकलते हैं। अभी मैं इस जैकेट के साथ एक जो है वो टेस्ट राइड ले रहा हूँ, और इसी से मुझे भी पता चलेगा कि कितना कंफर्टेबल होने वाला है मेरे आगे वाली जो राइड्स मैं करने वाला हूँ उसमें। इसके अंदर का जो फैब्रिक है ना वो एक्चुअली पता चल रहा है, फील हो रहा है कि हाँ भाई लाइट वेट है। और अगर आपको इसके साथ कोई पोस्ट देखनी है तो यार जाओ मेरे इंस्टाग्राम पे चेकआउट करो, आप लोगों को पोस्ट मिल जाएगी। मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को कैसा दिख रहा है, मैं कैसा दिख रहा हूँ, और ओवरऑल जो फील है वो कैसी है। क्या है ना कि इसी से पता चलता है कि एक ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है। क्या हो गया भाई, क्या हो गया, जितने पुलिस वाले, मेरे को लगा वो बाइक वाले को पकड़ा है, बोले वो लाइन के आगे करके। सो नाउ वी आर एट रेक्लामेशन, और यहाँ पर खड़े रहकर थोड़ा सा व्लॉग करेंगे, और व्लॉग करने के बाद हम आगे जाएंगे। जैसे कि देख सकते हो इसका लुक बहुत ज़्यादा सिंपल है और बहुत अच्छा है। इसके अंदर एक चीज़ क्या खास है पता है, इसका यहाँ पर ना चेस्ट आर्मर है और स्लीव जो है नॉर्मल वैसे ही ओपन होती है। अगर मैं इसका कंपटीशन अगर किसी चीज़ से करने की बात करूँ तो मैं कर सकता हूँ राइनॉक्स अर्बन एक्स के साथ जो मेरे साथ था पुराना, लेकिन राइनॉक्स अर्बन एक्स के अंदर तीन चार चीज़ें ऐसी थी जो नहीं थी और नहीं है, अभी भी नहीं है। और वो तीन चार चीज़ें क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा दिख रहा है। अगर मैं इस जैकेट की बात करूँ तो इसके अंदर तीन चार चीज़ें हैं जो इस जैकेट को काफ़ी ज़्यादा उम्दा और काफ़ी ज़्यादा बेटर बना देती है। क्या, सबसे पहले यहाँ पर चेस्ट प्रोटेक्टर्स हैं, मतलब यहाँ पर फोम लगा है और वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का फोम है, और ये पूरा जो जैकेट है वो लेवल 2 का है। अब जब हम लोग बेसिक छोटी छोटी राइड करते हैं तो उसके टाइम पर ये वाला जैकेट जो है वो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अभी जब पहन के चला रहा हूँ ना तो इसके यहाँ पर देख रहे हो ये ब्रीदेबल है, ये वाला पैटर्न जो आप देख रहे हो दिस इज़ ब्रीदेबल, और उसकी वजह से ये थोड़ा ज़्यादा जो है वो प्रॉपर फील देता है, हवा देता है। वरना जब आप लंबी राइड पे जाते हो ना कुछ तो इशू होता है। अब आगे चलते हैं, आपको आगे बताते हैं कि आगे और क्या क्या चीज़ें हैं जो इसके अंदर है। दुनिया की सुनता है क्यों, यहाँ पर देखो अभी वापस गाड़ी उठाने का जो काम है वो शुरू हो चुका है, एंड दिस इज बैंड बैंड स्टैंड। अब गाड़ी इसलिए उठाई जाती है क्योंकि यहाँ पर इन लोगों को और कोई मौका मिलता नहीं है, और दिस इज़ अ पब्लिक प्लेस, कार पार्क होगी चलेगा, रिक्शा खड़े रहेंगे चलेगा, लेकिन यहाँ पर जो है बाइक्स खड़ी नहीं रह सकती, टू व्हीलर्स को इनको मतलब थोड़ी प्रॉब्लम सी है। दिस इज़ हाउ द जैकेट लुक्स लाइक, और ये फ्रंट है, दिस इज़ फ्रंट, एंड मैं बैक दिखा देता हूँ आप लोगों को, जो जैकेट का बैक साइड है दिस लुक्स लाइक समथिंग दिस। तो ये है और ये है। अब इसके अंदर का एक फ़ायदा मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो जैकेट है ना बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही सिंपल है मेरे एक्चुअली जान निकल गई थी। और यहाँ पर देख रहे हो ये यहाँ पर चेस्ट प्रोटेक्टर्स हैं, और यहाँ पर बैक में आपको लेवल 2 का आर्मर मिल जाएगा। जैकेट के साथ एज यूजुअल दो लाइनर मिलते हैं जो कि राइनॉक्स ने तो बंद कर दिया, लेकिन अभी इसके साथ मिलता है, और ये मेरे ख्याल से वैल्यू फॉर मनी चीज़ है, और इसके अंदर अपन को बहुत सिंपल काम करना है, जाना है, और दोनों हैं जो अलग लाइनर है। आप उसको जब पहनोगे तो ऐसा लगेगा कि नहीं भाई कुछ आप जैकेट पहन के निकले, और यही फंडा मेरे साथ भी हुआ था, स्टार्टिंग में देख लिया होगा। ओवरऑल इसकी जो रिव्यू है वो मैं आप लोगों को दूंगा जो मैं इसके साथ अभी एक राइड पे जाने वाला हूँ, तो वो राइड करने के बाद जो है अपन आपको इसका कंप्लीट रिव्यू देंगे कि क्या होने वाला है और कैसा है। बट इफ़ यू आर गेटिंग इट फॉर 7000 देन दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट गियर्स दैट यू कैन गो फॉर। अगर आप इसे 7000 के अंदर आप ले रहे हो तो ये दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट, आप इसे ले सकते हो, और साथ ही साथ
साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, दैट इज़ वेरी नेसेसरी और बहुत ज़रूरी है। यहाँ से देखो पूरी गाड़ियाँ ऐसे उठा के लेके जाया जा रही है, ज़बरदस्ती वाली, बट ठीक है, क्या किया जा सकता है। तो अभी अपन जो है अपन यहाँ से चलते हैं, निकलते हैं, गाड़ी जो है वो चालू ही है, मुझे पता था, बंद गाड़ी देखेंगे तो ज़बरदस्ती करेंगे। आई आर वी हाँ फ़ोन है, हाँ दिखाते हैं भाई। अरे थैंक यू दोस्त, लगना चाहिए, मैं तो बोलता पूछना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। अरे आप बिजी थे इसलिए कुछ बोला। मैं एक्चुअली इसकी वीडियो बना रहा था, ये जो जैकेट है ना इसकी वीडियो बना रहा था। अरे ज़रूर ज़रूर। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि ये नया जैकेट है और अंदर मैंने वाइटी पहना था, मैं सोचा था कि थोड़ा कुछ फोटो वगैरह भी ले लेंगे, तो उसकी भी कुछ अपन तैयारी कर कर आए हैं, थोड़े फोटोज़ लेंगे और आपको वो सारे फोटो जो है वो आपको मिल जाएंगे इंस्टाग्राम पे जाके। इंस्टाग्राम पे ज़रूर जाके देख लेना, क्योंकि हमारे जो फोटोज़ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद आते हैं और बहुत ज़्यादा ही मेहनत लगती है यार फोटो लेने के लिए, वो वाला ज़रूर देख लेना। अभी हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं जहाँ पर मैं आपको एक प्रॉपर लुक दे सकूँ कि ये जैकेट कैसा दिखता है। अभी जो मैंने हेलमेट पहना है, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट हेलमेट्स जो आप ले सकते हो, और लेकिन इस हेलमेट का एक फंडा क्या पता है, ये हेलमेट थोड़ा सा टाइट है, टाइट होने की वजह से ना जब आप लंबे टाइम बाद पहनोगे ना तो ये हेलमेट जो है वो पेन करेगा। क्या लगता है आपको, मुझे एक प्रॉपर वीडियो बनानी चाहिए अपनी राइडिंग गियर्स और सारे इक्विपमेंट के ऊपर कि मैं क्या क्या लेके जाता हूँ, तो एक खाली कॉमेंट कर देना, मैं आप लोगों को सारी कुछ चीज़ें बताऊँगा, क्योंकि मेरे पास बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सारे गियर्स हैं और मैं राइड के हिसाब से प्रेफर करता हूँ मुझे क्या पहनना है। सो दीज आर सम थिंग्स दैट आई ऑलवेज लुक फॉर। क्या छपरी बनाई कर रहा है बंदा यार, क्या होता है पता है, मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, अभी ये जो जैसे स्कूटी चला रहा है ना, शायद दिख रहा भी नहीं होगा, दिख भी रहा होगा तो मैं बता देता हूँ कि ये जो स्कूटी होती है ना, स्कूटी के अंदर ना आजकल कुछ ज़्यादा खास ब्रेक आते नहीं हैं, बहुत ही नॉर्मल से ब्रेक आते हैं यार, और वो नॉर्मल से ब्रेक में बंदा, अरे रे 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 क्या ड्रिफ्ट मार रहा है यार। मेरी ना डोमिनार है विद सिंगल चैनल ABS ऑन द बोथ टायर्स, स्टिल मेरे अंदर हिम्मत नहीं होती, मैं ड्यूल चैनल ABS वाली गाड़ी भी लेके गया था, मतलब अरे यार क्या चला रहा है बंदा यार। और आजकल नया ट्रिक है नंबर प्लेट के आगे एक वो पत्ती लगा देने का, तो इससे क्या है नंबर भी दिखेगा नहीं। सो दिस इज़ कार्टर रोड एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस में से एक है, और काफ़ी जो है वो मज़ा आता है यहाँ पर।